मैंने तुझे किया था प्यार, तूने मुझे दिया धोखा। क्या रीयूनियन हुआ है यार। वाह ऐसी एक्सरसाइज मैंने पहली दफा देखी है गाइस। आएगी क्या पगली यार जैनब पकड़ी जाओगी। पुलिस वाले अंकल पीछे क्या हुआ, बुला रहे हैं गाइस। जैनब को जो है ना वो पुलिस वाले अंकल पता नहीं कहाँ पे लेके गए। मामा अभी तो पुलिस आई है, वो जैनब को पता नहीं क्यों ले गई है। Welcome Professor's YouTube channel and welcome to new vlog. So guys, I'm really sorry, मैं कुछ दिनों से vlog नहीं डाल रही थी क्योंकि यार मामा फातिमा ज़ैनब सब आप लोगों को पता है कि वो लोग गई हुई हैं, ठीक है। तो मैं मामा को इतना मिस कर रही हूँ, इतना मिस कर रही हूँ कि मेरे अंदर उठने की कुछ काम करने की हिम्मत ही नहीं थी। खैर आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि उनके जाने के बाद सिस्ट्रोलॉजी हाउस पर क्या इफेक्ट पड़ा है। सो लेट्स गो। सो गाइस मेरा कमरा तो वैसा का वैसा, बस ज़ैनब को थोड़ा सा मैं याद कर रही हूँ। तो मैं तो उन्होंने ज़ैनब को ये बनाया हुआ मैंने, ठीक है। ज़ैनब कैसी हो, ठीक हो? ना 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 ज़ैनब, मैं तो तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, हट। एंड गाइस हीरा पे जो है इधर मामा की याद में पूरा दिन इधर ही बैठी रहती है, कपड़े सुखाती है, सासा मामा को याद करती रहती है। ज़ैनब से मिला, ज़ैनब वापस आ गई है, ज़ैनब किमची। एंड गाइस अब देखते हैं कि हमारी मैडम फातिमा के रूम में क्या, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, डेट मारी जा रही है और दोनों का एक छोटा बच्चा भी हो गया हुआ है। मुझे कभी मौका नहीं मिला फातिमा के डैडी को मारने का, आज मारूंगी। मेरी बेटी पे तेरी नजर है, हैं कलमुहे, और तुम भी बिगड़ गई हो। चलो नीचे, यहाँ कमरे में आने की हिम्मत कैसे की है, और दूर रहना मेरी बेटी से। खैर गाइस अब मुझे सोना चाहिए क्योंकि सुबह हमने जाना है यूनिवर्सिटी, तो मैं मामा के स्टाइल में खुद को डांटूंगी क्योंकि मैं भी सोनी रही हूँ। सॉरी मामा, सो रही हूँ, बाय गाइस, सुबह मिलती हूँ। The next morning. So good morning everyone. Finally मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गई थी एंड मेरी जो आज की लुक है वो कुछ है कि आज पिंक टी शर्ट पहनी है, नीचे ब्लू जीन्स पहनी है। सो आज मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत मजे का सरप्राइज है, वो आप लोगों को भी 2 मिनट में मिलने वाला है। सो वेट फॉर इट। सो गाइस मैं घर जा रही हूँ एंड जो सरप्राइज था ना वो इसे मेरे साथ बैठा हुआ है और आप लोग देखने के लिए तैयार है। सो 1 2 3 लोगों को बताया कि मैंने इतने दिनों से व्लॉगिंग नहीं की, मामा नहीं थी तो मैं उदास घूम रही थी। मैं देख रही हूँ सबके व्लॉग आ रहे हैं, राबिया की वीडियो ही नहीं डाली, क्या हो गया? मैं आपको याद कर रही थी, मैंने कॉल की स्पेशल की राबिया तुम क्यों नहीं गई, वीडियो तुम्हारी नहीं, सबको मैं देख रही हूँ की क्या कर रहे हैं राबिया, क्या कर रही है। और पता आप लोग को बताऊँ, मैं रात को सो गई थी ना तो जब मैं सुबह उठी तो देखा मेरे आसपास ज़ैनब सोई हुई है और मैं बाहर देखा तो मामा सोई है। मैंने कहा वाह, फिर मैंने उठाया नहीं, तो अब फाइनली है जो है ना हम मामा से मिल रही हूं। इतना तुम्हें मिस कर रही थी, इतना ज़ैनब बार बार मुझे कह रही मामा मेरे साथ है तो मुझे याद कर, मेरे टाइम दे राबिया को क्यों याद कर रही है। मैंने कहा नहीं यार राबिया याद आ रही है, क्या कर रही होगी, उसे लेने भी मैं जाती थी। पता है मामा घर पे कोई मेरे पे ध्यान नहीं देता था, बस हीरापी, लेकिन मामा पापा सब ख्याल रखते थे। सही बात, पापा भी रखते थे और हीरापी भी रखते थे, हीरापी प्यार भी करती थी, फिर भी मेरी याद आती। मामा तो मामा होती है ना, इस बच्चे को मैं ना कभी छोड़ती नहीं हूँ ना, कभी साथ रखती हूँ ना, इसलिए मैं जरा मामा की तो ये लाडली वाली बेटी हूँ। खैर अब जाके फातिमा से मिलते हैं और ज़ैनब से मिलते हैं और उनको भी हाय शाय बोलते हैं। ज़ैनब बड़ा तुम्हें भी मिस कर, ज़ैनब मुझे याद कर रही थी, कहती है राबिया मेरी रूममेट है ना, रात को सोते हुए कहती थी राबिया की याद आ रही है। और पता है मैंने यहाँ पे ज़ैनब का फेक गुड़िया बनाकर उसको इतना मारा हुआ है, अब पीछे से मैं ज़ैनब को कुट रही थी। कुट रही तुझे छोड़ के गई है ना, कुटना ही बनता है। खैर यार अब घर चलते हैं। गाइज इधर पता नहीं क्या हो गया, मुझे लगता है कोई हादसा वगैरह हुआ है, सारे ट्रक इधर खड़े हैं। मामा जब से कराची गई है मामा रास्ते ही भूल गई है, कभी पहले गलत गली में चली गई थी, अब कोई और में जा रही है मामा। ओए पता नहीं गाइज यहाँ पे कुछ हुआ है शायद, मामा कराची में मैंने सुना बहुत ज्यादा, कराची में कोई चोर शोर नहीं मिले आपको? कराची का रश देख के आए हैं तो यहाँ पे डबल रश हुआ पड़ा, ट्रिपल। क्या बात है, हम अपने लाहौर की तारीफ कर रहे थे कि हमारे लाहौर में रश नहीं होता। जो भी हो कराची बहुत अच्छा है, इस्लामाबाद बहुत अच्छा, बट लाहौर लाहौर है जी भी बहुत अच्छा था। मैंने देखा कराची के लोग इतने अच्छे हैं कि बड़ा प्यार हमें उन्होंने दिया। वाह वाह वाह। तो जी गाइस हम फाइनली घर पहुंच गए, घर आके मैं आप लोगों को एक और दूसरा सरप्राइज दिखाना चाहती हूँ। हाँ मैंने यही कहा, मेरे लिए आज सरप्राइज ही है ना, मैं सुबह उठी मैंने पहले ज़ैनब को देखा, फिर मैं सुबह उठी मैंने फातिमा को देखा, फातिमा फुल ऐसे डेड सो रही थी। बहुत अच्छा लगा तुम लोग एकदम से आकर, बताते हो सही ना कि आ रहे हो यार हमें सरप्राइज। तुम लोग का था 7 बजे, तुम लोग सोए हो, क्या बता के करना। मैं जो तैयारियां करती इतना याद करी थी मैं तुम्हें भी, ज़ैनब को भी, 2 दिन के लिए गए थे बस, इसने फूल लेके आने थे, हम फूल बारिश कोई बकोई करती। खैर गाइस अब जाते हैं अपना तीसरा तोहफा देखने के लिए। ये तो ज़ैनब तुम वापस आ गई हो, तुम पता है मैं तुम्हें कितना याद की है। ओहो ये तो गलत हो गया, तुम वापिस आ गई हो तो उसी से ही मिलो अब तुम जाके। तुम्हें पता है मैंने पीछे से इसको कितना कुट्टा है, मैंने इसको ऐसा किया, ए गंदी ऐसे बनाया। हाँ मैंने इतना मारा,
दूसरी दफा गाइस मिल रही है, पहले मिल चुके फिर मिल रही है। खैर गाइस अब हम लोग जब शूट करने लगे उसके लिए मैं होने लगी हूँ प्यार सा रेडी। एंड जैनब मुझे तुम्हारी भी हेल्प चाहिए, तुम्हें जिम वाली लड़की बनना पड़ेगा। यहाँ प्यार सा बैंड लगा लो और जैनब के प्यारी से हम लोग क्रिएट कर, हमने ये शो करवाना है वीडियो में कि तुम मेरी मोटी बहन हो। मजाक कर रही हो। A few moments later. So guys, finally, मैं जो हूँ फुल बटरफ्लाई से रेडी हो चुकी हूँ और जैनब जैनब तैयार तो हो जाती यार। जैनब तो तैयार हुई, जैनब तो वैसे जिम गर्ल बनना है तो तैयार होने की जिम गर्ल, फिट गर्ल और बालों डाई वाली गर्ल मिर्ची। आज मैंने मैचिंग की है अपनी प्यारी मिर्ची के साथ। जैनब ये बैंड जिम वाला नहीं है, ये तो वो नहीं, ये नहीं लगाना। एंड गाइस ये है जी मेरी आज की फुल लुक और जैनब की तो बनाना अच्छा लग रहा था, शर्ट का कलर थोड़ा सा लड्डू पीला था, बहुत येलो हो गया, चेंज करके मैं जैनसी जिम गर्ल बन गई। उसको देखना सर अपनी ब्यूटी की बड़ी हुई कोरियन। गाइस हम लोग शूट कर करके इतना थक गए, आप लोग को मैं दिखाने लगी हूँ जो पुराने जमाने का वो मूवीज में हीरो नहीं होता इतने लंबे लंबे बालों वाला, वो जैनब स्टाइल ये लग रही है। टार्ज़न लड़का लग के और लड़के के लंबे लंबे बाल नहीं होते हैं। अभी फोटो होने लगी हैं। गाइस यहाँ पे जो है ना जी प्रोफेशनल शूट हो गए, जैनब अपने आप को समझ गई इस टाइम जो है ना, दीपिका समझ रही है अपने आप, दीपिका नहीं अक्षय कुमार समझ रही है। मुझे बोल रही थी कैसे लगा, खुद देखो कैसी लगी। मैं तुझे किया था प्यार, तूने मुझे दिया धोखा, आज अब करे थोड़ा प्यार, क्यों ना मारूं मैं शौकी 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 में चला भाई। तो जी गाइस फाइनली हमारा शूट हो गया है और अगर हमारा खत्म हुआ है तो यहाँ पे जो है ना जो फातिमा और पापा का शुरू हो गया, मेरी और जैनब की जोड़ी थी और फातिमा और पापा की जोड़ी है, आप लोग वीडियोस का वेट करना। तो जी गाइस हम लोग जो है ना घर से छुपके ये कह के निकले हैं कि भाई वॉक के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है चाबी गाड़ी की ले आए हैं और मैं और जैनब पार्टनरशिप करके गाड़ी में जा रहे हैं। प्लस पॉइंट नहीं है, रामा को गाड़ी चलानी नहीं आती है, मैं इसको कहीं भी लेके जा सकती हूं। जैनब ध्यान से, हम लोग गाइस जस्ट आइसक्रीम, ओए दरवाजा तो खोलो जैनब। एंड जैनब मुझे गाड़ी चलानी आती है, मैं 100 दफा बता चुकी हूँ तुम्हें, मुझे गाड़ी चलानी आती है। गाइस हम लोग जो शेख की दुकान पे पहुंच चुके हैं, हर मोहल्ले में एक ना एक शेख की दुकान जरूर होती है, सारे कमेंट में जरूर बताओ। एंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे कमेंट करो कि राबिया आप एक दिन पूरा ये हो कि आपने पूरा दिन जो है वो गाड़ी चलाते रहना, पूरा दिन गाड़ी में ही रहना। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये व्लॉग निकालूं तो मुझे कमेंट में बताओ, उसके 10,000 कमेंट करो मैं फिर बनाऊंगी, वरना मैंने नहीं बनाना, बात खत्म। तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती है, मैं करने लगी हूँ गाड़ी लॉक। क्यों? और मैं एक जगह लेके जाने लगी। बेटा मैंने तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, ठीक है, मेरे से पंगा नहीं लेने का, वापस काट। चलो तो आइसक्रीम ले जाकर, आइसक्रीम पिघल जाएंगी। मामा से हम छुप के आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मैं हर जगह जान दूंगी, मैं एक बड़ी बहन हूँ। और चुप करके मुझे गाड़ी जानी आती है जैनब? नहीं आती है। आती है, सारे कमेंट करो, 10,000 कमेंट करो और फिर एक दिन मैं पूरा गाड़ी के अंदर बिताऊंगी और पूरा दिन लिटरली मैं गाड़ी रोक रोक के दूर दूर कहीं ना कहीं चलाती रहूंगी और मेरे साथ कोई भी नहीं होगा, और मेरे साथ चलो जैनब होगी, ठीक है जैनब होगी। 10,000 कमेंट करो सारे अभी इसी वक्त पे। क्या अभी मेरे साथ आओगी तुम? कहीं नहीं आ रही मैं जैनब, आइसक्रीम तो ले लो यार। आइसक्रीम पिघल जाएगी ना, वापसी पे लेते हैं। मुझे पता है क्या लगा, तुम मुझे धोखे से किडनैप कर रही हो। गाइस आप लोग रिकॉर्ड कर ले, बंदोबस्त किया है मैंने अपने सारे दोस्तों के, बंदोबस्त बंद में चंड मारनी है, वापिस चल, वापिस चल जैनब, वापिस चलो चलो। है ना ये चीज डाइजेस्ट नहीं कर पा रही कि यहाँ पे फोटो लगी हुई है इसकी और हया की। इंटरव्यू में बोल के आई है कि मेरी फेवरेट बहन है राबिया, आज तुम चूज कर लो दोस्त या बहन, चूज कर तो फिर फोटो क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी कोई पिक्चर नहीं है। इतनी पागल, मेरे साथ तुम्हारी कोई फोटो नहीं है जैनब, आज जो लिए है वो लगाऊं। तो और गाइस जैनब मुझे धोखा दे रही है, ये जो है ना मुझे सोसाइटी का कह के कहीं बाहर निकल आई है, कहीं पता नहीं कहाँ टीम कोटिंग जा रही है। पागल हो तुम जैनब, मामा हूँ मैं तुम्हारी बड़ी यार, मम्मा नहीं हो मेरी छोटी बहन। रहो गाइस आप लोग इमेजिन नहीं करेंगे कि हम बाहर निकले थे आइसक्रीम लेने के लिए और अब हम यहाँ पे आप ही के घर के पास पहुंच चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं आप ही के घर उसको सरप्राइज देने, पता नहीं क्यों सरप्राइज, बस सरप्राइज है क्योंकि ये जब से आई है तुम लोग आप ही से नहीं ना मिले हो। नहीं अब जैनब मैं कहूंगी आप ही आपके लिए तोहफा लाई और जाके जैनब को ऐसे करके सामने धक्का देके फेंक दूंगी आप ही की नजरों में, ठीक है जैनब? ठीक है डन। तो अभी देख के आई हूँ मैं, सिर्फ एक जूता पहन के आई हूँ, तुमने छुपाया है मेरा जूता, मैं तो अभी देखे मेरे पाँव का दूसरा जूता ही नहीं, मैं एक जूता क्यों पहन के आई हूँ, मैं मुझे नहीं पता, हाँ मैं एक ही पहन के आई हूँ। अब तो जैनब की जगह ना मुझे आप ही की नजरों में गिरना चाहिए। गाइस आप ही घर की बेल बजाते हैं उसके लिए तो सरप्राइज होने वाला है, आप ही खोलो एक्टिंग, राबिया एक्टिंग निकालो अपनी। गाइस अरीब भाई की भाभी ने दरवाजा खोला है आप ही की, सॉरी आप ही की भाभी ने दरवाजा खोला, जैनब आ जाओ आप ही की तरफ, ऊपर चलेंगे जल्दी और उसको डराएंगे। काकू भी इधर है, काकू काकू कैसे हो काकू, क्या हाल चाल है, जल्दी आओ जल्दी, आप ही को डराएंगे, बाय बाद में हाय बोलना। बोले बात आ
नहीं मैं डराने नहीं आई हूँ, मेरे साथ मैं अकेली आई हूँ आप लोगों की तरफ। मेरी हालत देखे, क्या हुआ है? मसला हो गया एक, आप भी गुड नाइट। कोई मसला नहीं हुआ, मैं तो आप लोगों के लिए गिफ्ट लेके आई थी। उठाया करा, ये देखो फोन आया करा, ये क्या हुआ? ये देखिए पापा कितना अच्छा तरीका था हॉरर प्रैंक करने का, लेकिन मैं आप ही, मैं आपके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लाई हूँ, दूँ बहुत बहुत बड़ा और बहुत हैवी गिफ्ट है, अभी लेके जल्दी वो गिफ्ट नीचे ना पुराना हो रहा है। ओ सॉरी, चलो गिफ्ट इधर आओ, गिफ्ट का मैंने कहा था जालो गिफ्ट मिलो, चलो गिफ्ट मिलो, जाओ आप ही से मिलो जाके, चलो जाओ उठो जल्दी उठो, भागो भागो भागो। गाइस ये क्या गिफ्ट ही, कोई कदर ही नहीं हो रही है यहाँ पे। आप भी ज़ेनब स्पेशल आपसे मिलने आई है, कराची से आई थी ना, उसने कहा मैं अपनी बहना से मिल के। वाह क्या रीयूनियन हुआ है यार, अच्छा लगा ये गिफ्ट। आप ही अंदर एंटर रीबो ही ना, जो खड़े हुए बालों के कहते मुझे पता चल गया था, मुझे आवाज आ गई थी इसके नीचे। हां नीचे वो अलर्ट हो जाऊं, सुबह मैंने सब प्लान किया, ये मुझे दूसरे नंबर से कॉल करती है, दूसरे मैं परेशान हो गया था, दूसरी लड़कियों से बातें करवाती है अपनी यूनिवर्सिटी की दोस्तों से। और पता है मैंने क्या बोला? मैंने कहा सुहान का शूट करवाना, मेरी दोस्त ने कहा, कहते हाँ हाँ चले ठीक है ओके। मैं कहा अच्छा ठीक है करवा देंगे, मुझे डिटेल्स भेज दे, बीच में दो मिनट बाद। अरे भाई चोरी करेंगे आपके बहनों पे, ट्रस्ट नहीं आपको? क्या किया पीछे? कुछ भी नहीं चोरी किया यार, क्या है जैन भाग जाओ ना, नीचे भाग जा, नीचे भाग जा। अरे चोरी किया हो तुमको हम माने ना, हम लोग इनको लेके जा रहे हैं कुछ खाने पिलाने के लिए, मम्मा ने कहा था जल्दी घर आ जाना है ना। गुड गर्ल गुड गर्ल, गाइस हमने ये चुरा लिया आपकी का, चल चल चल। गाइस मैं आप लोगों को दिखाती हूं आपकी की प्रोडक्ट है, आपकी ने रिसेंटली स्टोरी भी लगाई थी तो हमने चुरा लिया। यूनिवर्सिटी लेके जाने है, हां स्किन बड़ी अच्छी हो जाती है। ई बाय जाना बाय, ऐसे कर। कितना क्यूट है ये, ऐसे ना सारा सा थंबनेल थंबनेल, चलो 1 2 3 थंबनेल। ओए ऐसे ओए सारे एक्शन जाते हैं, एक्टर एक्टर। अरे चलते हुए आ रहे हैं, कितना अच्छा मंजर। आजो 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 आजो। नहीं हम क्या, हम चोर लगते हैं आपको? क्या हो गया? चोर क्या बात है, हम भाई चोरी वो करे जिसने नहीं डरे वो, जो क्या हो गया जैना पकड़ी जाओगी, भागो गाड़ी में, और गाड़ी में साइड पे जाके छुपा दो, जल्दी आओ छुपाओ। आज अच्छा लग रहा है कि ये लोग पीछे बैठ रहे हैं और मैं और छोटी आगे बैठी हूँ, आज तो गाड़ी लगेगी कहीं ना कहीं। बकवास सुहाना आपको पता है ये ज़ैनब ने मुझे किडनैप किया, मुझे कहती राबिया बॉय आइसक्रीम लेने जाना, आइसक्रीम के बहाने मुझे पूरे सोसाइटी घुमा दिया। गाड़ी चलाना सीखा इसलिए, लेकिन एक बात, आप लोग घर का आइडिया मैंने दिया था, अच्छा बोल देना किसे आइडिया दिया था। मेरी वाहिद बहन है जो जब इस इलाके में आती मेरे घर, मैंने कहा चलो चक्कर लगा ले, वरना कुछ निकल जाती है ना, कुछ होती है निकल जाती है, कुछ होती है निकल जाती है। खुश खुश चलो तुम आगे देखो, आपकी हमने एक चीज चुराई आपको नहीं देंगे बाय। मैं यही बैठी हूँ, दे मरी कौन सी चीज है ना, कुछ नहीं चुराया, आप ही कल दे देंगे। नहीं पहले बताओ, नहीं परसों बता दो, मैं लेके जाने दूंगी, पहले मुझे बताओ। अच्छा आइस वाली ना, एक मिनट आइस वाली, आप ही ये चुराई थी आपके फ्रिज से पकड़ी मेरी आइस वाली ना, मुझे पक्का पता था, मैंने आज स्टोरी लगाई थी। हाँ मैंने देख के लालच आ गया था, मैंने कहा खरीद ले लेती हूँ, चुरा लेती हूँ। क्यूट है आप ही, ऐसा करो दो दिन हमें स्किन अच्छी करनी दो ना, पहुँच के मैसेज करना, ठीक है आप ही दो दिन हमें स्किन अच्छी करने दो, फिर अगले दिन आप। चलो ठीक है ओके, बाय बाय, मुझे वापस करनी है, गुड गर्ल, वापस करनी है, हम तो नहीं करेंगे वापस, अच्छी चीज मिल गई। गाइस अब हम लोग इधर आ गए हैं खाना पीना लेने के लिए, फातिमा मैडम ने हमें कॉल करके बोला कुछ के लिए स्पेशल खाना लेके आओ। ज़ैनब तुम मुझे लेके आई हो बाहर, ठीक है ना, मैं गलती कर ली तुम्हें ले आई हूँ भाई, पहले अरीब भाई वगैरह साथ घूमे हैं हम लोग, लेकिन वो मस्ती मजा आया यार, कोई नहीं चिल करो, कोई बात नहीं, ये हम लोग की हो रही है आफ्टर पार्टी। गाइस कैमरा मैन को पुलिस वाले अंकल पीछे,
क्या हुआ? बुला रहे हैं? पूछो। गाइस ज़ैनब को जो है ना वो पुलिस वाले अंकल पता नहीं कहाँ पे लेके गए, मुझे समझ से बाहर हो रहा है ये क्या हो रहा है। और ये मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ प्रैंक। हम लोगों ने जैसा मैं आप लोगों के साथ प्रैंक किया है ना ये छोटा सा, अब ये प्रैंक जो मेरे ज़ैनब बड़ा अच्छा आइडिया, ये प्रैंक हम करेंगे मामा के साथ भी और पापा के साथ भी। पहले पापा के साथ करेंगे और उन्होंने बोला था कि आप नहीं मैं बताती हूँ, मैं बात करूंगी ठीक है। पापा के साथ गाइस हम लोग करने लगे हैं प्रैंक, हम लोग को पुलिस ने पकड़ लिया, अब आएगा मजा, लेट्स सी। गाइस हम लोगों ने काफी सोचा और हमें डर लग रहा है कि पापा के साथ हमें प्रैंक किया ना, अगर ये तो पापा ने हमें बहुत कुटना है, बहुत डांटना है कि ऐसे प्रैंक नहीं करते। मुझे लगा सच में पुलिस आ गई है। खैर हम लोग जब मामा को करेंगे, मामा को कॉल करेंगे और कहेंगे कि हमें पुलिस ने पकड़ लिया, अब देखो क्या होता है, मजा आएगा। गाइस मामा को कॉल जा रही है। हेलो मामा, अभी तो पुलिस आई है, वो ज़ैनब को पता नहीं क्यों ले गई है। तो मैं थप्पड़ मारा तो उसको नहीं आ रही अभी ऐसे। हाँ वो पता नहीं क्या उसको ज़ैनब को, पापा को दे फोन जल्दी, वो कह रहे हैं अपनी बात करवाएं किसी से। झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं पुलिस ले गई ज़ैनब को, दिल तो निकली है गड्डी ले। अच्छा मैं करवाती हूँ, पापा को जल्दी बताएं अम्मा। ठीक है मैं मर जाऊंगा हीरा, ठीक है मैं करवाती हूँ बात। उसकी कहाँ है पुलिस वाला, बात तो करवाऊँ। रुके मैं करवाती हूँ अंकल, या बात बंद करिए। मामा रुके, मामा रुके, प्रैंक चंडू मारा तेरे मुंह। पापा को बताने से पहले मैंने फिर आप ही फातिमा के से बोली और मैं मर गई। मम्मा पुलिस वाले तो रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा, पुलिस वाले। कैसा था प्रैंक? प्रैंक हो गया, दिल को कुछ नहीं जाएगी। आई ना मम्मा, मैं एक्टिंग अच्छी की थी ना, छितर पड़ने वाले हैं। मम्मा जी मैं पता है इसको कहाँ कहाँ मजे की जगह घुमा रही हूँ पापा के साथ, नहीं क्योंकि पापा ना यू नो गाय मतलब पापा कैसे सीरियस हो गई। पापा से भी तो करती ना, फिर मेरे अकेले से क्यों की है, पापा से भी बात। मम्मा मुझे मैंने राबे को मना कर दिया था कि पापा को भी आपने बताया तो नहीं, क्यों बता दिया है? हेलो है? पापा को आपने बताया तो नहीं, पापा के साथ भी करते हैं। पापा को कॉल करो, यानी पापा गाइस पापा के साथ, मम्मा से परमिशन मिल गया पापा से। तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। मैं गाइस आई एम एन एक्ट्रेस। हेलो हाँ जी पापा जी, वो हम इधर निकले थे और वो था ज़ैनब को भी पुलिस आई है और वो पता नहीं क्या हुआ, वो कह रहे हैं आप लोग क्यों अकेले वो ज़ैनब को ले गए हैं। आप कहाँ पे? ये इधर हम लोग ना इधर रोड पे थे, ज़ैनब इतनी तेज गाड़ी चलाई थी तो उसको आई है पुलिस। कौन से रोड पे हो? ये इधर लेक सिटी वाले, आप जरा बात करो पापा। पापा कहते कौन सी रोल है, लेकिन मैं एक्टिंग अच्छी करती हूँ ना। एक्टिंग तो अच्छी है। पापा मम्मा को की आगे से फातिमा आगे से कहती हाय मैं मर गई। यही रापी को जाके बता रही कि ज़ैनब को वो पकड़ लिया पुलिस ने, पकड़ लिया, हमने पकड़ाया भी ज़ैनब को। अगर कब आना घर? बस इधर खाना ले रहे हैं और आ रहे हैं। ओके गाइस बहुत मजा है, ज़ैनब कितना मजा है पता लगे, कैमरा ही नहीं होता। आपी को कॉल करो, फातिमा जैसे बोली ना हाय मैं मर गई, मेरा ना दिल भर रहा है ना, सच्ची में पुलिस ने पकड़ लिया ना मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। हेलो हेलो जी, हेलो अरीब भाई, वो ना अभी हम इधर जा रहे थे, ज़ैनब ने ना गाड़ी लगाई है तो वो क्या कहते हैं ये जो पुलिस आई है और वो ज़ैनब को पकड़ के ले गई है। क्या मतलब कहाँ पे आई पुलिस? अभी इधर ज़ैनब गाड़ी चला रही थी ठीक है, वो आए हैं और आगे कहते हैं कि इसको ले। तो अभी भी हम लेक सिटी घूम रहे हैं।
चलो ओके बाय बाय, ख्याल रखो अपना। गाइस बेस्ट एवर प्रैंक था, आज तक का सबसे बेस्ट प्रैंक। अरे भाई ने क्या बोला, कहाँ पे किधर, और मेरी एक्टिंग कैसी थी? बस गाइस मैं तो एक्टिंग की बात चल रही हूं, एक्टिंग पे रेंट पे वो होगी नल्ली होगी यार। नहीं हंसी छूट गई, वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गया, तो मैंने कहा इतना किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। खैर गाइस हमारा खाना आ चुका है, खाना पकड़ते हैं और घर चलते हैं। गाइस ये लोग कह रहे हैं कि हमें व्लॉग में ले, हेलो, ये एक लाल और एक नीला, नीला लाल दोनों मिले। गाइस फाइनली जो आइसक्रीम हम घर से लेने के लिए निकले थे वो हमने ले लिए, अब घर पहुंच गए हैं। चलो यार गाइस हम लोग फाइनली घर पहुंच गए, मामा का यहाँ पे इतना वो चेहरा है कि आज के बाद तुम लोग निकलो कहीं भी। मामा कह रही है कि तुमने जो प्रैंक किया है वो बहुत सॉरी। मैं तुमसे बात करी, तुमने ऐसे मेरा दिल डराया है, मैं भागी भागी पापा पास ऊपर जाने लगी कि बात करूं। सॉरी मामा, फातिमा एकदम से ऐसे शॉक हुई है कि फातिमा का शॉक दोनों व्लॉग में कहती, इसको टेंशन ही आगे से कहती, इसको पता पेट में इसका इतना पेट फूल गया कि बात बता दो। हीरा पे क्या कहती, हीरा हम मैं मर गई, सारा तुम्हारा वो रिकॉर्ड हुआ है, तुमने हरकत की है। तुम्हें कैसे पता? क्या फिर आगे से हम हंस पड़े, कहते हैं बदतमीज, उनको भी फुल डर गए वो। कोई बात नहीं, सॉरी मामा सॉरी। सो गाइस होप सो कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा, आप करते हैं इस ब्लॉग को एंड, सो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल, जल्दी से जो है ना मेरे 2 मिलियन कर दो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।